हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं हिंदू वाइव्स एंड मुस्लिम मेन, द अनथिंकेबल हैपन्स इन पाकिस्तान। बाप रे, चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, जल्दी शुरू करते हैं। और दूसरे दोनों चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। मैं आपको मिलाता हूँ पार्वती जी से। ये पार्वती बहन आपसे बताएंगी कि इनके साथ क्या हुआ। दीदी आप बताओ, आप अभी आपको अभी पूरा भारत देख रहा है, पूरे भारत के हिंदू आपको देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप खुल के बोलें, आप बिना डर के बोलें, खुल के बोलें जो चीज आपके साथ दिल्ली में हुई है वो बताओ, क्योंकि भारत का सारा हिंदू जानना चाहता है कि आपके साथ वहां पर होता क्या है और क्यों आप यहाँ इंडिया में अभी। आपके पास फुल माइक है, आप जो बोलना चाहो बोलो। हमारे से यही घटना होती थी, मेरा पति जाता था काम पे, कोई और बोलता था अपनी बीबी चीज सही है, मेरे को लाके एक रात के लिए दे दो। मेरा पति बोलता है मैं नहीं दूंगा, उसने बोला नहीं देगा मैं अपने को मार डालूंगा, गोली से मारूंगा, उसने बोला मैं नहीं दूंगा। वो फिर मेरे को आके बताता है ऐसे ऐसे कोई बोल रहा है, कोई मुसलमान ऐसे ऐसे बोल रहा है। मैं बोलती हूँ मैं नहीं जाऊँगी उसके साथ एक रात के लिए। वो बोलता है मैं अपने घर बार जो बोलेगा वही मैं आप बना के दूंगा, आप चलो मेरे साथ है। मैंने बोल दी नहीं जाऊंगी मैं। वो बोलता है नहीं जाएगा फिर आपको मैं मार डालूंगा, गोली से मारूंगा। वो फिर मेरे को बोलता है, मेरा फिर जाने का दिल नहीं करता, मैं नहीं जाती, मैं उसके साथ रोती हूँ। मैंने बोला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे हैं। मैंने बोला मेरी 4 बेटियाँ एक बेटा है, मैं नहीं जाऊंगी। वो मेरे से बोलता है, फिर बोलता है वो आपसे नहीं, मेरे को मार डालेंगे, आपसे दूर कर देंगे। मैंने बोला भले दूर कर दे, मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी भारत में, भले अकेली चली जाऊं, कोई डर नहीं है मेरे को। मैंने पासपोर्ट बनवाया, फिर मेरे पति को ले गए पासपोर्ट से, मैंने फिर मेरे बच्चे लिए। मैंने बोला भले तुम नहीं आओ, मेरे बच्चे लेके मैं चली जाऊंगी। उसने बोला भले तुम चली जाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला नहीं मैं आपको भी जाने नहीं दूंगा। मैंने बोला ऐसी घटना नहीं मैं करूंगी अपने के साथ। उसने बोला नहीं मेरे को नहीं तो मार डालेंगे। मैंने बोला भले आपको इधर रहना है तो रहो, मेरे को तो जाना, मेरे को हस्बैंड बोला मैं नहीं करना है। उसने फिर मेरे पासपोर्ट बनवाए, मेरे बच्चे लेके मैं फिर भारत में आया, वो भी मेरे साथ आया। ऐसी अच्छा। घटना मेरे से हुई है, मैं फिर ऐसी बात नहीं मैंने की है। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी बहन थी एक, वो भी गई थी कपड़े बेचने के लिए, किसी ने उसको नशा दिया, नशा देके उसको और जगह पे लेके गए। हम उधर गए, घर पे कोई भी नहीं था, ताला लगा हुआ था। हम उनको ढूंढा, 4-5 महीने ढूंढा, मेरे से छोटी थी। फिर मेरी शादी कर दी, मेरे पति के साथ में रही। फिर उसको हमने ढूंढा बहुत, वो नहीं मेरे को मिली हमारे को। फिर किसी और को मिल गई, किसी और ने हमारे को बताया आपकी बेटी है कहाँ जगह पे है, चलो मैं आपको दिखाऊंगी। हम उनके साथ गए, देखे था हमारी बहन निकली, उनका एक बेटा भी हो गया था, मेरे से छोटी थी, उनका एक बेटा भी हो गया था। फिर मेरी मम्मी उससे ये किया, ड्रामा किया। ये घर पे आए मिलने के लिए घर पे आए, फिर नहीं गए दोबारा। हम फिर कोर्ट में गए, किसी के आवाज़ उठाया, किसी के पास ये किया, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। मेरे पापे ने हमारे ऐसे सुनवाई नहीं की। फिर मेरे पापा ने बोला मैं इधर नहीं रहूँगा, मेरी 4-5 बहन बेटियाँ हैं, मैं इधर नहीं रहूँगा। मेरे भाई भी है 4, उसने बोला मेरे बेटे को ये मार डालेंगे। उसने फिर पासपोर्ट बनवाया, तुरंत पासपोर्ट बनवा के फिर वीजा लेके फिर वो तुरंत इधर आ गए। उनको 5 साल हो गए इधर आने में, वो मेरी बहन नहीं मिली, वो उधर ही रह गई, हम आगे वो उधर ही है। आपका धन्यवाद है। अच्छा बहन जी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो कोई आपके हस्बैंड को का कोई उसके साथ का कोई था बंदा, वो आपको कहता था एक रात के लिए आओ,
तो क्या ये सबके साथ ऐसा होता है, हिंदुओं के ऐसे बोला जाता है कि अपनी बीवी को लेकर आओ, ऐसा क्या वाकई में ऐसा होता है वहाँ पे? हाँ ऐसा होता है, ऐसे होता है, डराते हैं, बोलते हैं आपकी बीवी जो होती है ना खूबसूरत, बोलते हैं इनको हमारे को लेके आओ नहीं तो हम मार डालेंगे गोली से। फिर हम मजबूर होते हैं, अभी क्या करते हैं, फिर पति बात नहीं मानता है, अभी क्या करें। इनकी वजह से हम खुद महिला उठा के, आवाज उठा के हम खुद महिला ही निकल के आ जाती है। हम बोलते हैं हमारे भी, मेरे साथ ही ऐसे हो गया, मेरी चार बेटियां उनके साथ भी ऐसे होगा, यही घटना इनके साथ भी होगा। इनकी वजह से हम खुद ही महिला हम आवाज उठा के उधर से निकल के भाग के आते हैं, ऐसी घटना हमारे से होती है। यही बात हमारे के ऐसे आवाज कोई भी हमारे से ऐसे आवाज नहीं उठाता है, कोई संता इनके गवर्नमेंट होती है, कोई इनके होते है, कोई भी आवाज नहीं उठाते, कोई कोर्ट वाले होते है, पुलिस होती है, कोई आवाज नहीं उठाते हैं, बोलते हैं ये हिंदू है इनकी आवाज हम नहीं उठाएंगे, ना इसी का केस हम उठाएंगे, ये हिंदू हो गए हम मुसलमान का केस उठाएंगे, हिंदू का केस नहीं उठाएंगे। इनकी वजह से ये हमारे को दिक्कत हुई, हमारे को फिर भारत आना पड़ा। इन्होंने कितनी हिम्मत करके, इनके बच्चे सुन रहे हैं इस वीडियो को, इनके परिवार वाले इस वीडियो को देखने वाले हैं, इन्होंने कितनी हिम्मत करके ये वाली बात बोली है सिर्फ आप कर और हम पर ट्रस्ट करके, क्योंकि इनको लगता है कि हम इनकी बात सही जगह उठाएंगे। यहाँ पर इंडिया में अगर किसी मुस्लिम लड़की के साथ है, मुस्लिम महिला के साथ ऐसी घटना हो जाए या ऐसी बात हो जाए, पूरे 57 इस्लामिक कंट्री हमारे कंट्री के सर पर बैठने वाली है कि ये क्या हो रहा तुम्हारे देश में, एंड आवर कंट्री विल हैव टू एक्ट। और भारत में ऐसी न्यूज़ें आती रहती होंगी, ऐसा तो नहीं आती होंगी, ये तो अब सोशल मीडिया का जमाना है तो हम आपको ये यूट्यूब पर ही वीडियो दिखा रहे हैं कि ये वीडियो न्यूज़ें आती रहती होंगी, बट आवर कंट्री हैज नेवर एक्टेड। और ये कितनी शेमफुल चीज़ है कि एक महिला वहां से जब भागकर आती है अपने परिवार के साथ में और यहाँ पर उसको फिर से परेशानी हम दे रहे हैं, या हमारा सिस्टम कोई सोसाइटी कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है, यहाँ की जो हमने आपको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिखाए हैं, यू कीप वॉचिंग दोज वीडियोज, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या जवाब है कि क्या हम ऐसा करें कि जिससे कि वहाँ पर जो लेडीज हैं, फीमेल्स हैं हिंदू, उनके साथ ऐसी हरकतें होना बंद हो। इंडियन गवर्नमेंट शुड रीच आउट टू UNO, शुड रीच आउट टू इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, शुड रीच आउट टू पाकिस्तान ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट, दैट इज वन सेकंड, एंड देन सेकंड लेवल इंडियन गवर्नमेंट शुड एक्ट विद फोर्स, विद फोर्स। इतनी मिसाइलें बनाने का कोई फायदा नहीं जब उसको यूज ही नहीं करना है, विद फोर्स एंड शुड एक्ट अगेंस्ट दीज ग्रुप्स। जिन बच्चियों के साथ अभी 70 साल में ये ज्यादतियां हुई हैं, दो वो सारे केस खंगाले जाने चाहिए, इंडिया में वन बाई वन वो केसेस डिस्कस होनी चाहिए, उन परिवारों का दुख दर्द डिस्कस होना चाहिए, ऐसे परिवारों को, ऐसी बेटियां जो वहाँ प्रॉब्लम में है उनको फटाफट इंडिया बुलाया जाना चाहिए, उनको वीजाज देने चाहिए, उनको स्पेशल प्लेन भेजकर उनको यहाँ लेकर आना चाहिए, इंडियन एजेंसीज को यहाँ पर एक्ट करना चाहिए ताकि वो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करें, इन्फिल्ट्रेट करके उन लोगों को यहाँ लेकर आए, कुछ भी करके लेकर आओ। इसराइल अपने अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, अपने कमांडोज को इथोपिया भेज सकता है वहां से कहीं पर भी कोई, तो क्या आप पाकिस्तान को ऐसी बेटी जो रिपोर्ट करती है कि मेरे को खतरा है, या ऐसा परिवार जो रिपोर्ट करता है कि मेरी बेटी को उठाने का थ्रेट आया है, उस परिवार को फटाफट इंडिया बुलाया जाए। दिस इज व्हाट वी डिमांड, दिस इज व्हाट हैज टू हैपन। अगर उसको बचा नहीं सकते, आप उसके लिए फाइट नहीं कर सकते, कम से कम ऐसे परिवार को बचा कर तो ले आओ, कम से कम इतना तो करो। लड़ना नहीं चाहते हो तो बचाओ तो सही इनको, ना आप लड़ रहे हो ना बचा रहे हो, करने चाहिए कि अगला बंदा घबरा जाए कि इंडिया के लोग आएंगे और तुम्हें बजा के तुम्हारे जाएंगे। आप तो ये देखिए कितनी एक शेमफुल चीज है, कितनी सिनेरियो। अपनी बहन के बारे में उन्होंने बताया, इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है, इट विल डू समथिंग। और उस बहन पर क्या बीती होगी, पता नहीं, और उस बेटियों पर क्या बीती होगी जिनको बचा नहीं पा रहे हैं, वो कैसे फील करती होंगी, और उनको उनके साथ क्या होता होगा, तो वो तो भगवान जाने, वो वी कैन ओनली इमेजिन। ये है असलियत पाकिस्तान की, और जो जाके पाकिस्तानी चैनलों को देख के प्रमोट कर रहे हैं ना, जो बड़ा अपना इंडिया से प्यार और अपना दिखाते हैं कि हम लोग बड़े अच्छे हैं, सच्चाई ये है, अंदर से सच्चाई ये है। मैं तो पहले ही बोलूँ, वो तो एक नंबर के चोर चक्के हैं जो बैठ के दिखा रहे हैं बड़ा हमें इंडिया से प्यार है, वो पैसों के लिए कर रहे हैं। जाग जाओ यार, जाग यार, दुख की बात है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि
अगर कोई भी ज्यूइश इंसान है कहीं पर भी और वो इसराइल को बोलता है कि प्रॉब्लम आ रही है, दे विल डू समथिंग. वैसे ही इंडिया को करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट से बात करें, गवर्नमेंट नहीं सुनती, दे विल डू द कोविड ऑपरेशन. दे विल शो कि हम कितने पावरफुल हैं और हम कैसे लोगों को बचाते हैं. और अच्छी बात थी कि उनको देखिए इवेंचुअली उनको वीज़ा मिला, वीज़ा में इनके यहाँ पे आ गई हैं. अब जो होता है हमेशा एक डर होता है कि स्पाई का, कि कोई पाकिस्तान से कोई स्पाई ना आ जाए इस तरीके से, कोई गलत तरीके. देयरफॉर इंडिया की सिक्योरिटी ने भी कुछ सिस्टम किया होगा कि आप इतने साल रहिए, जब आपके यहाँ पे बच्चे होंगे जो यहाँ के स्कूल्स में जाएंगे, देन समथिंग विल बी डन. सो इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू बी वेरी कॉशियस. बट डेफिनेटली जैसे जैसे देखिए भाई साहब ने इतना अच्छा वीडियो बनाया, इवेंचुअली व्यूज कुछ नहीं, गवर्नमेंट कितने दुख की बात है. मैं कहता हूं 2000 इनका व्यू है और पाकिस्तानी चैनलों में देखो 100-100 के मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है, इसको दिखाओ, इन वीडियोस को दिखा के हिट करो. मैंने तो ये देखा है कि जितना अच्छा वीडियो होता है समझदारी वाला उतने कम व्यूअरशिप होती है, क्योंकि इतने समझदार लोग नहीं है इंडिया में, इंटरनेट में इतने समझदार लोग नहीं है, वो कहीं और हैं, यही मैं कह सकता हूं. बट इतना ज़रूर है कि जैसे इंडिया ग्रो करेगा, फंडिंग आएगी, पैसा आएगा, ऐसे कुछ गवर्नमेंट बनाएगी प्रोग्राम्स कि कहीं पर भी अगर कोई माइनॉरिटी है जिसको तंग किया जा रहा है तो वो हिंदुस्तान जाएगा और हेल्प करेगा उस इंसान की, प्लस उनके आने में रिफ्यूज जल्दी देगा, जिससे यहाँ पर सेटल होकर कोई देखिए जो लेडी हैं इनको कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कोई जॉब मिलनी चाहिए, लिविंग कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए जैसे, क्योंकि अगर आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि जॉब में सिंपल है, उसका फर्क नहीं पड़ता कि क्या धर्म है क्या नहीं है, जॉब होनी चाहिए. जॉब करेंगे वो अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, उनको भी खुशी होगी कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, वहां से छोड़ के यहाँ पे आए थे, यहाँ जॉब करते हैं, देखो कितने अच्छे हैं. सो ग्रेटिट्यूड भी आता है, देयरफॉर जॉब्स का तो सिस्टम करना चाहिए. सबसे पहले यूएन के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, जैसे इन्होंने बताया है कि अगर ऐसा ही कुछ किसी मुस्लिम लेडी के साथ इंडिया में हो तो सारे मुस्लिम कंट्रीज खड़े होकर शोर मचाती हैं. अब देखो इसराइल के कैसे पीछे पड़ी हुई है जबकि इसराइल ठीक कर रहा है. तो ये एक हमें भी स्टैंड लेना पड़ेगा, अगर हमारे किसी हिंदू लड़की के साथ, हमारे किसी हिंदू के साथ कहीं पाकिस्तान में या ऐसे देशों में हो रहा है तो हम भी वैसे ही जवाब देंगे जैसे तुम देते हो. मिलके इंडिया को इतना स्ट्रांग होना, यूएन में ये बातें इतनी स्ट्रांगली बोली जानी है, नॉन स्टॉप बोली जानी चाहिए जब तक हमारे हिंदूज जो हैं वहां पे बैठे हुए उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलती. उनको यहां तो राइट्स दो या उनको यहां पे भेजो. हमें बहुत वोकल होना पड़ेगा, बहुत पावरफुली इनके ऊपर एक्शंस लेने होंगे. और बिल्कुल बोला है, वो पावर का क्या फायदा जो इसराइल से सीखो. मैं तभी कहती हूँ इसराइल से सीखो और ऐसे वीडियोस को हिट करो, इनको व्यूज ज्यादा दो, हर जगह इनको प्रमोट करो ताकि इंडियंस की भी आंखें खुले कि पाकिस्तान तुमको कितना बेवकूफ बना रहा है. जाग जाओ यार, बहुत दुख हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है. तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.